संसदीय क्षेत्र 06 टीकमगढ़ में 4 अभ्यर्थियों ने भरा नाम निर्देशन पत्र। अब तक 5 अभ्यर्थियों ने भरे 7 नाम निर्देशन पत्र। टीकमगढ़ 3 अप्रैल 2024 लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र 06 टीकमगढ़ आ जा के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन के चौथे दिन आज 4 अभ्यर्थियों ने 5 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। इस प्रकार 28 मार्च से अब तक 5 अभ्यर्थियों द्वारा 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने बताया है कि 3 अप्रैल को लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 6 टीकमगढ़ अजक में भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार द्वारा 2 नाम निर्देशन पत्र, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा 1 नाम निर्देशन पत्र, बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी दल्लूराम द्वारा 1 नाम निर्देशन पत्र तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी खुमान द्वारा 1 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक पर देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। इसके अगले दिन 5 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 6 टीकमगढ़ अजा के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा तथा मतगणना 4 जून को होगी।